वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीम। नेक्स्ट टॉपिक है बीम। तो देखिए क्या होता है, आपके घरों में बिल्डिंग्स में जितनी बिल्डिंग्स होती हैं सब में क्या होता है, बीम पड़ा ही होता है। ठीक है, तो बीम पड़ा है तो इसका मतलब क्या है, बीम का फंक्शन क्या है, क्या वर्क है उसका, कहाँ से लोड पड़ता है, ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या डेफिनेशन देख लेते पहले। ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। एक बीम स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, उसमें काम आता है। ऑन विच लोड्स आर एक्टेड, और जिस पर लोड लगते हैं, कैसे लगते हैं, लेटरली टू द एक्सेस ऑफ द बीम, यानी कि बीम की जो एक्सेस होती है उससे लेटरल डायरेक्शन में बीम पे लोड लगा करता है। ठीक, तो देखते हैं व्हाट इज बीम, लेटरल डायरेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन क्या है। तो देखिए एक बीम यहाँ पे बना के दिखाया गया, तो सबसे पहले तो जान लीजिए बीम की जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब भाई जो सबसे लंबी डायरेक्शन होती है, डायमेंशन होती है, उसी को क्या कहते हैं, लेंथ। ठीक है, तो ये बीम की डायमेंशन हो गई एल। ठीक है, तो भाई लंबा या लेंथ तो सबसे ज़्यादा लंबी होनी होनी है वो। ठीक, उसके बाद देखते हैं ये है उसकी ब्रेथ और ये है उसकी हाइट। ठीक है, तो यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर डायमेंशन होती है उसको छोड़ के उसके अलावा जितनी भी डायमेंशन होती है, दैट इज बी एंड एच, यानी कि ब्रेथ और हाइट, इन दोनों डायमेंशन को बोला जाता है लेटरल डायमेंशन। क्या बोला जाता है, लेटरल डायमेंशन। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं घरों की छतों पे जो बीम पड़ा होता है, बीम का मतलब क्या है, देखिए और नीचे सपोर्ट रहती है ना, ये दो खंभे खड़े रहेंगे, पोल खड़े रहेंगे जो इसको बीम, जिस पे बीम टिका होता है, तो ये तो दोनों क्या हो गई सपोर्ट, ये क्या हो गई सपोर्ट। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है सपोर्ट। ठीक है, तो एक सपोर्ट ये हो गई, एक सपोर्ट ये हो गई। ठीक है, तो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, फिलहाल अभी उसके टाइप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखिए आप खुद देखिए बीम पे लोड कैसे लगता है, ऐसे ही तो लगता है इस तरह से ऊपर से। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि ये एच वाले डायरेक्शन में, इसी को तो कहते हैं लेटरल डायमेंशन। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल के अलावा उसके अतिरिक्त जो भी डायमेंशन होती है, यानी चाहे वो बी हो चाहे वो एच हो, ठीक है, तो एच की डायरेक्शन में, देखिए एच ऐसे है तो ये एच है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि लोड लग रहे हैं, तो ऐसे कंपोनेंट को बोला जाता है बीम। ठीक है, तो बीम को कोई ऐसे बाएं से धक्का नहीं देता, दाएं से नहीं खींच रहा है पकड़ के। ठीक है, तो इस पर जब भी लोड लगता है ऊपर से फोर्स लगता है, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सियर फोर्स बोला जाता है, इसको लेटरल फोर्स कह लीजिए या सियर फोर्स के नाम से भी इसको हम जानते। तो आई, ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन बीम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, भाई कितने टाइप्स के होते हैं बीम और कितने टाइप्स के होते हैं लोड और किस लोड का क्या इफेक्ट होता है। तो आप जान लीजिए बीम जब भी फेल होता है, यानी कि टूटता है या ब्रेक होता है या फेल होता है, झुक जाता है, बैंड हो जाता है, तो इस पर बैंडिंग, ठीक है, बैंड होने का प्रभाव, बैंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा हुआ करता है, तो उसकी भी स्टडीज हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब देखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ बीम्स। इससे पहले हमने देखा था व्हाट इज बीम, अब देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीम, यानी बीम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं बीम, तो ये जानते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक बीम बनाया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले ये बीम बनाया हमने, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो ये एक बीम है, ठीक है, कंक्रीट का, स्टील का बीम बनाते हैं, छतों पे होता है आपके, ठीक है, तो उसमें ये जो बीम है ये ऐसे रखा हुआ है, बीम ये है, नीचे क्या है, ये जो हमने दिए सपोर्ट वन सपोर्ट टू, ठीक है, तो दो सपोर्ट हैं, तो यानी जब कोई बीम इन सपोर्ट्स पर फ्रीली रखा होता है, बस आप उसको जाके टिका दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से जो रखा होता है उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। इस टाइप के बीम को क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। और चीज़ देखिए, ये जो सपोर्ट है दोनों सपोर्ट उसके सिरों पर हैं, एक इधर बाएं वाले सिरे पर, एक इधर दाएं वाले सिरे पर, सपोर्ट्स दोनों सिरों पर, एंड्स पर होनी चाहिए, और बीम को देखो जैसे ये है डस्टर, ठीक है, इसको मैंने ले जाके बस ये सपोर्ट है इस पर टिका दिया, और दूसरी सपोर्ट इधर है, इधर टिका दिया, बस इसको रख दिया ले जाके, इस तरह से जब रखा जाता है बीम को बस, तो उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये सपोर्ट होती है, ठीक है, ये जो सपोर्ट्स हैं वन टू दोनों सिरों पर होनी चाहिए, दोनों एंड्स पर ही होनी चाहिए, मिडिल में नहीं रखेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। और देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, आपने अक्सर देखा होगा कोई पार्क होता है या कहीं पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं आप, ठीक है, दूर दराज के एरिया में, तो वहाँ पे क्या पत्थर की वो टेबल वो चेयर बना दी जाती है, ठीक है, तीन चार ईंटा रख के, ठीक है, तीन चार ईंटा रखते हैं, पत्थर रखते हैं, इधर भी रखा इधर, और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया, ठीक है, जिस पे आप लोग बैठ जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एग्जांपल होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, नीचे से दो चार सपोर्ट रख दिए ऐसे और उसके ऊपर से एक पत्थर टिका दिया, ठीक है, तो इस टाइप का, यानी फ्रीली पत्थर उसके ऊपर रखा है, अपने भार के कारण टिका हुआ है उस पर, तो इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है कैंटिलीवर बीम, ठीक है, क्या है कैंटिलीवर बीम, तो देखिए
आपने देखा होगा आपकी घरों की जो छतें होती हैं, छत होती हैं, उसमें बालकनी होती है, ठीक है, बालकनी होती है जिसमें आप गमला वगैरह, कूलर वगैरह या एसी वगैरह लटके होते हैं, बहुत देखे होंगे आपने, ठीक है। तो वो जो बालकनी लटकी होती है, मतलब वो क्या होता है, दीवार में एक साइड जुड़ी होती है और दूसरी साइड से बाहर को लटकी होती है, दूसरी साइड उसमें सपोर्ट नहीं हुआ करती है, ठीक है। तो देखो जैसे घर है, ये घर की छत है, इस पे बालकनी है, ठीक है, इस तरह दीवार में जड़ी हुई है और यहाँ पे आप घूमते हैं, टहलते हैं, बाहर आके टहलने लगते हैं, ठीक है। तो बालकनी जो होती है दीवार में एक साथ जड़ी होती है, फिक्स होती है बीम उसमें दीवार में, और दूसरा हिस्सा उसका फ्रीली बाहर को हवा में लटका होता है। तो इस टाइप की जो सपोर्ट, क्या कहते हैं, बीम होता है, उसको बोला जाता है कैंटिलीवर बीम। तो देखो भाई इसमें भी क्या, और हाँ, बीम के ऊपर भाई लोड तो लग ही रहा होता है, ठीक है, बीम पे लोड लगेगा ऊपर से, मान लिया डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये क्या है, ये आपकी डैश करके हमने दिखाया, ये दीवार है, ठीक है, दीवार है और ये बीम इसमें फिक्स है, ठीक है, बीम दीवार में जड़ा हुआ है, फिक्स है, बिल्ड इन है, ठीक है। इसके ऊपर लोड लग रहा है कोई डब्ल्यू, सपोज करो आप यहाँ खड़े तो यहाँ लोड लगेगा, यहाँ खड़े तो यहाँ, यहाँ खड़े तो यहाँ, यहाँ पे लोड लग रहा है ऊपर से। तो देखो एक सिरा तो इसका फिक्स है, दूसरी साइड कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरे सिरे पर कोई भी सपोर्ट नहीं होती है। वो इस टाइप के जो बीम होते हैं उनको बोला जाता है कैंटिलीवर बीम, यानी एक ही एंड पे सपोर्ट होती है और वो भी बीम फिक्स होता है दीवार में, ठीक है, जड़ा होता है, बिल्ड इन होता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, ठीक है, रेलवे स्टेशन वगैरह पे देख सकते हैं, बालकनी तो अपने घर में ही देखते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे आप क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा दीवार में होल करके एक लोहे के रोड लगा देते हैं जिस पर टीवी टिका देते हैं, सेट टॉप बॉक्स वगैरह टिकाते हैं, तो वो दीवार में जड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा फ्री है। तो इस टाइप की जो सपोर्ट होती है उसको बोला जाता है कैंटिलीवर बीम। आइए तीसरा देखते हैं। तो भाई ऊपर से लोड इस पर भी लग रहा होगा, ठीक है ना, ऊपर से लोड लग रहा होगा, एक लोड लग सकता है, एक से ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक। तो देखो भाई ऐसा बीम, ठीक है, ये बीम है, अब देखो बीम की अगर लंबाई बहुत ज़्यादा है, बीम अगर बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, उन केसेस में क्या था, बीम की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, सबसे शॉर्ट लेंथ किसकी रहेगी, कैंटिलीवर की बीम की लंबाई हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही साइड से सपोर्ट होती है, तो उसको छोटा से छोटा रखने की कोशिश करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम एक मॉडरेट, ठीक है, मीडियम लेंथ का बीम होता है। कंटिन्यूस बीम, तो जैसा देख पा रहे हैं कंटिन्यू लगातार एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट और भी बहुत सारी सपोर्ट देनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो बीम होता है जिसमें एंड सिरे, दोनों एंड सिरों पर तो सपोर्ट होती ही होती है, देखो दिख रही है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी देंगे, उसके एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो देखो भाई ध्यान ये रखना है, ऐसा बीम जिस पर एक से ज़्यादा सपोर्ट्स होती हैं, जिसको लंबाई अधिक होने के कारण एक से ज़्यादा, सॉरी दो से ज़्यादा सपोर्ट देनी पड़ती हैं, ऐसा बीम कहलाता है कंटीन्यूअस बीम। अब देखो भाई ये ऐसा भी तो हो सकता है, अभी हमने चार दिखाया, ठीक है, दस भी हो सकता है, ठीक है, कितने भी सपोर्ट हो सकती है, मतलब कहने का ये है दो से ज्यादा सपोर्ट हो सकती हैं और कोई जरूरी नहीं दोनों सिरों पर सपोर्ट हो ही, हो भी सकती है, मे भी नहीं भी। तो डेफिनेशन ये बनती है ऐसा बीम जिसके पास दो से ज्यादा सपोर्ट होती है, मोर देन टू सपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूस बीम। तो देखिए ऐसा क्या होता है, जब बीम बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बीम की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने देखा होगा जो नहर होती है, नदियाँ होती हैं, उन पर जब पुल बनाया जाता है, तो पुल क्या एक बीम की तरह काम करता है, और बीम के ऊपर क्या चलती हैं, उस बीम के ऊपर, उस जहाँ पर सड़क बनाई जाती है उसके ऊपर चलती हैं बसें, कार, ट्रक वगैरह, ट्रैफिक चलता है उसके ऊपर। तो वो बीम क्या है, एक लंबा सा बीम है, ठीक है, और जिसको देखने को पोल नंबर वन, पोल नंबर टू, बहुत कई किलोमीटर तक, तो यानी कि आप कंटिन्यूसली आपको उसको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसको कहते हैं कंटीन्यूअस बीम। ध्यान रखना डेफिनेशन बनती है, जिस बीम के पास दो से ज्यादा सपोर्ट्स होती है, मोर देन टू सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस बीम, ठीक है। उसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, ठीक। अब देखो भाई ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, ठीक है, अब ये ओवरहैंग हो गया है, ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कुछ ओवरहैंग है ना, ओवरहैंग हो गया, उतर नहीं रही है किसी की, तो ऐसे समझो भाई ओवरहैंगिंग का मतलब यहां पे क्या है कि ऐसा बीम जिसके एक सिरे पर सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, बीच में भी हो सकती है कहीं, लेकिन किसी एक सिरे पर सपोर्ट ना हो। ध्यान रखना है ऐसा बीम जो अपने एक सिरे से बाहर को लटका हो, उससे बाहर तक एक्सटेंड हो, या दोनों सिरे से भी हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही सिरे से एक्सटेंड होगा, ठीक है, दोनों सिरों से भी हो सकता है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो देखो इस सिरे से ही बाहर को एक्सटेंड है, इस सिरे से ही बाहर को एक्सटेंड है, दोनों एंड से एक्सटेंडेड वर्जन होता है, तो इसको कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग मतलब इस पार्ट से बाहर को लटका हुआ है, ठीक है, ओवरहैंग का मतलब क्या होता है, लटका हुआ, बाहर को निकला हुआ, ठीक है, तो एक्सटेंड हुआ। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपको तब समझ में आएगा कि भाई किस चीज, एक बीम में ही एक से ज़्यादा बीम भी हो सकते हैं, दैट इज, देखो ये बीम बताने की कोशिश करो,
कौन सा बीम है? देखो सपोर्ट कितनी है, 1, 2, 3, 4, यानी दो से ज़्यादा सपोर्ट हैं तो कॉन्टीन्यूअस बीम की कैटेगरी में आता है। वेरी गुड। और देखो इस एंड से ही बाहर को निकला हुआ, इस एंड से ही बाहर को निकला है, तो ये ओवरहैंगिंग बीम भी हुआ। हमने कहा था कि एक सिरे से भी एक्सटेंडेड हो सकता है, लटका हो सकता है, या दोनों सिरों से भी हो सकता है, तो यानी ये जो बीम है कॉन्टीन्यूअस बीम की कैटेगरी में भी आता है, साथ ही साथ ओवरहैंगिंग बीम की कैटेगरी में भी आता है। तो ये कुछ टाइप के बीम थे जो आपने देखे, तो इन्हीं में से कोई आपके एग्जाम में OMCQ क्वेश्चन में आने के तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि एक इमेज दे देगा, पिक्चर आपको दे देगा और बता देगा ये किस टाइप का बीम है। तो कभी भी ठीक है, जो राइट ऑप्शन है ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन देखा और सही लगा दिया, पहले चारों ऑप्शन को सही से पढ़ लीजिएगा तभी तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। ठीक है, एक बीम पे जो लोड्स लगते हैं वो कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन बीम्स, यानी बीम पे जो लोड लगते हैं केवल उन लोड्स के टाइप देख रहे हैं। लोड्स तो और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, हम कौन से लोड कंसिडर कर रहे हैं जो बीम पे सामान्यतः लगते हैं, उन वो लोड जो होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने तीन टाइप के लोड यहाँ पे दिखाए बेसिकली। नंबर वन ये ऐसे एरो की फॉर्म में जो दिखाया है, इसका नाम दिया मैंने W, और इसको लिखा है पॉइंट लोड, इसका नाम क्या है, पॉइंट लोड। और नाइफ एज लोड, नाइफ एज मतलब चाकू की नोक जैसा फोर्स लगाती है वैसा। कंसंट्रेटेड लोड यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाए, कंसंट्रेट पूरा का पूरी वैल्यू एक ही जगह लगे। तो देखो क्या होता है, जैसे बीम था एक लंबा सा बीम मैंने दिखाया हुआ है, उस पर लोड लगा, यानी कि अगर उस लोड का सपोज करो इस W की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो सारा का सारा 10 न्यूटन का लोड अगर एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, सारा का सारा लोड एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो उसको कहेंगे पॉइंट लोड। या नाइफ, नाइफ है चाकू जैसे टिका दो ऐसे, तो चाकू का पूरा भार एक ही पॉइंट पे लगता है ना, ठीक उसी तरह। या आप कह सकते हैं कंसंट्रेटेड लोड, यानी कि सारा का सारा भार एक जगह कंसंट्रेट हो गया, इकट्ठा हो गया, तो इस टाइप के लोड को कहते हैं पॉइंट लोड। तो इसको सामान्यतः ऐसे एरो से दिखाया जाता है। ठीक, और देखिए दूसरा लोड होता है आपका UDL। ठीक है, UDL की फुल फॉर्म क्या है, UDL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये होती है UDL की फुल फॉर्म। अब देखिए इसको UDL क्यों कहा गया है, यूनिफॉर्मली, देखिए एक चीज़, और इसको कभी कभी ऐसे भी दिखा दिया करते हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ रेक्टेंगल डब्बा बना के आपको दिखाया है, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा दिया करते हैं, ठीक है, इस तरह से भी, और यहाँ पे लिख देगा इतने ओमेगा न्यूटन पर मीटर। ठीक, इसका मतलब समझते हैं। तो देखो भाई, जैसे आपको ये रेक्टेंगल टाइप का लोड बना के दे इमेज में, जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब कहने का है ये एक ऐसा लोड है जो कि किसी पॉइंट पे नहीं लग रहा है बल्कि बिखरा हुआ है, बराबर रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी कि देखो जैसे लोड यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। ठीक, अब भाई ओमेगा है तो इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे मैंने मान ली वैल्यू इसकी ओमेगा की 4 न्यूटन पर मीटर। कहने का मतलब है 4 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर पे कितना लग रहा है, 4 न्यूटन, 1 मीटर पे कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। तो देखो टोटल लोड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं UDL यहीं पे, तो टोटल लोड ऑफ UDL, ठीक है, UDL का टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 न्यूटन पर मीटर, तो 1 मीटर पे कितना लग रहा है, 4, ठीक, इंटू कितने मीटर पे, तो देखो जितने मीटर पे ये लगा, पूरे बीम की लंबाई नहीं लेनी है, जितने मीटर पे UDL लगाया हुआ है केवल उतनी दूरी लेनी है, दैट इज ये कितनी है, जैसे यहाँ पे दी हुई थी 4, ठीक है, या इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको ले लीजिए 3, अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो 4 न्यूटन पर मीटर था, ठीक है, लोड की इंटेंसिटी, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, लोड इंटेंसिटी को बोला जाता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं कभी कभी, आप कभी कभी उसको स्मॉल W से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी नोटेशन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट रहा करती है। तो देखिए तो ये हो गया 1 मीटर पे लगता है 4, और ये लोड कितने मीटर पे लगा हुआ, 3, तो 4 × 3 यानी कि हो गया 12 न्यूटन का लोड ये काउंट होगा, तो टोटल लोड कितना हो गया 12 न्यूटन। इस तरह से ये कैलकुलेशन आप लोग करनी है। दूसरी चीज, अब देखो भाई जब बीम हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, ठीक है, तो इस बार तो शायद न्यूमेरिकल आने नहीं है, तो छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आपके MCQ क्वेश्चन में आ गया तो अच्छी बात है। तो देखो क्या है यहाँ पे, जब कभी भी हम इस लोड को लिया करेंगे, तो देखो ये लोड लगता कैसे भाई, बीम है, बीम के ऊपर छत पड़ी हुई है और छत पे आप लोग रहते हैं, ठीक है, तो सपोज करो आप एक पैर पे जाके खड़े हो जाएं कभी, है ना, एक पैर पे जाके खड़े हो जाएं, तो आपका सारा का सारा लोड एक पैर पे उस बीम के, ठीक है, सपोज करो बीम के इस पॉइंट पे आप खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हो गए या एक उंगली पे खड़े हो गए, तो आपका सारा भार यहीं लग जाएगा। ठीक, तो इसको तो कहते हैं, या फैन होता है, जैसे बीम के नीचे ही आपने फैन लटका दिया, तो फैन कहाँ लटकेगा, एक पॉइंट पे लटक जाएगा कहीं, तो वो पॉइंट लोड हो गया। अब देखो तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐसे समझो।
आपके घरों की जो छतें होती है भाई, छत के ऊपर जो भी सामान रखा होगा, जो भी भार होगा, उसको झेलता कौन है? बियर कौन करता है? उठाता कौन उसको? ठीक है, उस भार को झेलता कौन है? तो बीम, क्योंकि बीम पड़ा हुआ सारा भार आगे पड़ता है बीम पे। अब देखो, ऐसा हुआ कभी आपकी माता जी ने घर की छत पर, ठीक है, गेहूं सुखाने के लिए रख दिए, या भुट्टे सुखाने के लिए रख दिए, अचार सुखाने के लिए रख दिया, मिर्चा सुखाने के लिए रख दी, तो वो देख क्या करती है, वो बिखेर देती है उसको, बराबर बराबर बांट देती है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई बिखरी हुई चीज है, समान रूप से बराबर बराबर जगह में फैली हुई चीज है, तो बीम पे वो लोड कहाँ लगेगा? तो एक जगह थोड़ी लगेगा, जितनी दूरी में उन्होंने फैलाया होगा उतनी दूरी पे बराबर बराबर लोड लग रहा होगा, इसलिए कहते हैं UDL। और देखिए, घर की छत है, बरसात होती है, पानी भरता है छतों पे। अब सपोज करो पानी वाला, जहाँ को पानी निकलने का ड्रेनेज सिस्टम था, वो पाइप चौक हो गया, तो क्या होगा, पूरी छत पे पानी भर जाएगा। और उस पानी का भार कहाँ पड़ेगा? छत पे। और छत का भार कहाँ पड़ता है? बीम पे। तो पूरे बीम की लंबाई पे बराबर बराबर वो भार वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं समान रूप से वितरित भार, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आप समझिए, इस टाइप के जो भार होते हैं, फोर्स होते हैं, लोड होते हैं, उनको कहा जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये UDL तो यहाँ लगा हुआ था, देखो कितनी दूरी पर था, 3 मीटर पे। ठीक, अब देखो, तो भाई जब कभी हमें मूवमेंट लेना होगा, घूर्ण लिया होना करेगा, तो हम इसको कहाँ पे लगा हुआ माने? ठीक है, तो देखो बेटा, अगर इसको UDL को किसी एक पॉइंट पे आपको लगा हुआ मानना है कुछ कैलकुलेशन के लिए, जो कि जरूरी होता है, तो आप कहाँ मानेंगे? तो आप मानेंगे इसके सेंटर पे। कहाँ मानेंगे? इसके सेंटर पे मानेंगे, इसके केंद्र पे। तो देखो भाई, ये आपको रेक्टेंगल का टाइप का दिख रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। तो रेक्टेंगल जो होता है उसका सेंटर कहाँ पे होता है? देखो, सपोज करो 3 मीटर, तो ये कहाँ पे होगा? 1.5 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट पे होगा, जो कि यहाँ से भी होगा 1.5, जो कि यहाँ से भी होगा 1.5। अगर आपको ये मानना है, जब शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, SFD बनाते हैं, तब इसको कहीं लगा हुआ नहीं मानते, बराबर रूप से वितरित मानते हैं। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, तो वहाँ पे किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस काउंट करनी होती है, तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा, इसको किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ मानेंगे, और वो कहाँ होगा? इसके रेक्टेंगल के सेंटर पे। तो सेंटर पे मतलब दोनों के आधा आधा भाग कर दो, जितनी दूरी पे लगा हुआ उस दूरी का आधा भाग करना है, तो वहाँ पे यानी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा हुआ माना जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, तो यानी आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल लोड इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। एल क्या है? ध्यान रखना है, एल क्या है? जितनी डिस्टेंस पर लोड लगा हुआ है, वो होता है आपका ये ओमेगा इनटू एल। इस तरह से निकालते हैं। तीसरी चीज, अब देखते हैं UVL। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी समान रूप से चेंज हो रहा, वेरी कर रहा है लोड। ठीक है, एक समान रूप से वेरी कर रहा है। तो देखो क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। अब समझो, मैंने टोटल लोड कैसे निकाला था? ओमेगा इनटू एल। तो देखो भाई, ये एल, ठीक है, इसको मान लो ये यहां से यहां तक हो गई एल, जिसकी वैल्यू थी 3 मीटर। तो देखो भाई, मैंने इस रेक्टेंगल, ये जो ओमेगा है ना बेटा, ये ओमेगा, ये जो है, इसको आप इसकी रेक्टेंगल की हाइट मान लीजिएगा। क्या मान लेना आपको? रेक्टेंगल की हाइट। तो ओमेगा ये हो गई हाइट, और L हो गई ये लेंथ। तो देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो किया है। तो टोटल लोड कैसे निकाला? ऊंचाई इंटू लंबाई, यही तो किया है मैंने। यानी आयत का क्षेत्रफल जैसे निकलता है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल जैसे निकलता है, सिंपली मैंने वैसे ही निकाल दिया है, और ये टोटल लोड की वैल्यू यहां पे आ गई है। अब देखो UVL, यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड, देखो यहां पे कितना लोड था? 0। यहां पे लोड बढ़े तो इतना हो गया, यहां पे बढ़े तो और बढ़ गया, यहां पे गए तो और बढ़ गया, यहां पे गए तो और, यानी धीरे 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 यूनिफॉर्मली ये बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो भाई, फिर वही बात, हमने कहा ओमेगा लोड इंटेंसिटी, जहां पे ओमेगा लिख लीजिए, ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है आपका लोड इंटेंसिटी। क्या होती है? लोड इंटेंसिटी। चलिए अब खुद समझिए कि भाई ट्राइंगल है, तो मैंने कहा ओमेगा को ये हाइट मान लेना, ओमेगा को क्या मान लेना? हाइट। तो ये हाइट हो गई। अब खुद सोचिए, जब मैंने टोटल लोड निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, तो इसी तरह मैं भी क्या करूंगा, अगर मुझे टोटल लोड निकालना है UVL का, ठीक है, टोटल लोड निकालना है UVL का, तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस। ठीक है, बेस यानी ये कितनी हो गई? L, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है? ओमेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको कह सकता हूँ 1/2, या ऐसे कह दीजिए ओमेगा L बाई टू। ये हो गई इसकी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के टोटल लोड की वैल्यू। ठीक है, और जैसे कि
ये देखिए 6 मीटर था और इस ओमेगा की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 4, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 4/2, यानी कि आ गया 12 न्यूटन। एक चीज़ तो ये क्लियर हुई। और देख लीजिए फिर से कह रहे हैं जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो क्या करते हैं उस टाइम पे इसको यूवीएल ही काउंट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ नहीं मानते, इतनी पूरी दूरी पर लगा हुआ इसको मानेंगे। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा इस पूरे लोड को, इस पूरे यूवीएल को किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ माना जाएगा, किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ इसकी इधर, ठीक है, इसको रब आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो किस पॉइंट पे लगा हुआ मानेंगे, तो देखो भाई ये जैसे ट्राइंगल होता है, ठीक है, और ये दूरी है L, ये दूरी कितनी है L, तो ध्यान रखिएगा ट्राइंगल का सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कहाँ पे होता है, बड़ी वाली साइड से, ये बड़ी वाली जो साइड है यहाँ से होता है L/3, और इधर जीरो वाली साइड से जिधर बिल्कुल भी कुछ नहीं है लोड, इधर से होता है 2L/3 पे, ठीक है। कितना होता है बड़ी वाली साइड से, इधर से अगर काउंट करेंगे तो सेंटर आएगा L/3 पे, और इधर से काउंट करेंगे तो सेंटर आएगा 2L/3 पे, यानी कि अगर L की वैल्यू मैंने 6 मान ली तो इधर से आएगा 2 मीटर और इधर से आएगा 4 मीटर पे, देखिए इस तरह से। तो इस पूरे लोड को उस टाइम पे लगा हुआ मान सकते हैं, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक। तो यानी इधर से L/3 और इधर से 2L/3 पे लगा हुआ मान सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में भी ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ लोड्स विच आर एक्टिंग। स्टूडेंट्स अब देखने वाले हैं हम क्या, एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट किस तरह से बनाए जाते हैं उस पर एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। देखिए ऐसी इमेज कोई एक फिगर आपको दिया रहेगी, बीम की एक फिगर दिया रहेगा, ये क्वेश्चन रहा करेगा ये कि एज शोन इन द फिगर, ए बीम इज शोन इन द फिगर, ठीक है, ड्रॉ SFD एंड BMD, यानी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इफ एनी, अगर इसमें कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हो तो वो भी फाइंड आउट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन रहा करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लेंथ लिखी है मैंने 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है, तो उसको हो सकता है ऐसे भी दे दे कि बीम की लंबाई इतनी है, ठीक है, ऐसे करके दे देगा। कुल मिला के क्वेश्चन आपको रहा करेगा और उसका शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको फाइंड आउट करना रहा करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बीम ऐसे लगा है, उस पर लोड लगे, डिफरेंट लोड लगे हैं, सबसे पहला काम आपका होगा इस रिएक्शंस को फाइंड करना, यानी जहाँ पे सपोर्ट है। तो देखो अभी तो ये ऐसे दिया है, कल को आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना के दे देगा, यहाँ पे सपोर्ट है, तो उन सपोर्ट्स को यहाँ से हटा के आपको दिखा देनी है वहाँ पे रिएक्शन, जो भी पॉइंट का नाम हो उसी के पॉइंट के नाम से दे देंगे आप रिएक्शन, जैसे ए पॉइंट पर रिएक्शन है, सपोर्ट है तो RA, और इस पे है बी पे तो RB, ठीक है, इस तरह से। तो यानी बीम टिका था सपोर्ट पे तो सपोर्ट लगाएगी रिएक्शन ऊपर को, तो ये ध्यान लिख लीजिएगा कि हमने जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा, नीचे को अगर लोड लग रहे हैं तो रिएक्शन लगेगी ऊपर को, सपोर्ट ऊपर को रिएक्शन लगाएगी, ये कंडीशन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगी, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इन रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आप पहले जान लीजिए ये कौन सा बीम है, तो ये ओवर हैंगिंग बीम है, देखिए जहाँ पे सपोर्ट है उससे इधर भी बाहर निकला हुआ है, उधर भी बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो दो ही सपोर्ट है तो कंटिन्यूस बीम नहीं हुआ, ये ओवर हैंगिंग बीम हुआ, इसके लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो चाहे ओवर हैंगिंग बीम हो, चाहे कंटिन्यूस बीम हो, चाहे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो ऐसे केसेस में सभी में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन हमको निकालनी हुआ करेगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बीम के ऊपर इतने सारे लोड लग रहे हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है, इतने सारे लोड लग रहे हैं फिर भी बीम के नीचे दब जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है क्या, नहीं, यानी ऊपर से वाई डायरेक्शन में ऊपर से लोड लग रहे हैं फिर भी बीम अपनी पोजीशन में बना हुआ है, अपनी पोजीशन बना हुआ है, मतलब कि ये सपोर्ट्स पूरा का पूरा लोड झेल ले रही है, बियर आउट कर ले रही है। कहने का मतलब ये, जितने फोर्स नीचे को आ रहे हैं वो बराबर है किसके, जितनी रिएक्शंस ऊपर को लग रही हैं, यानी कि ऊपर वाले, ऊपर से नीचे को आने वाले फोर्स बराबर नीचे से ऊपर को जाने वाले फोर्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा FY इक्वल टू जीरो, यानी वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सभी का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब बीम इक्विलिब्रियम में, सामंजस्य अवस्था में है, तब सिग्मा FY इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या होता है, Y में ऊपर जाने वाले फोर्सेस को ले लेंगे प्लस, नीचे वाले को ले लेंगे माइनस, आप उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे आने वाले को प्लस ले लीजिएगा, ऊपर जाने वाले को माइनस ले लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल क्या रखना है, जीरो। तो देखो फोर्स ऊपर को कौन सा जा रहा है, RA, तो RA ऊपर को जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे RA प्लस, और कोई फोर्स है जो ऊपर को जा रहा है, यस आरबी, आरबी ऊपर को जा रहा है तो इसको भी प्लस ले लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए नीचे को आने वाले फोर्स कौन से हैं, ये देखिए 2 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे को आ रहा है तो इसको लेंगे -K2, ठीक, 10 किलो न्यूटन का लोड नीचे को आ रहा है तो इसको ले लेंगे -K10, ठीक। और देखिए ये लोड,
ये कैसा लोड है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसा लोड है, ये है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखो कितना है, 2 kN/m, यानी 1 मीटर पे लगता है कितना, 2 kN/m, यानी 1 मीटर पे 2 kN, और कितनी दूरी पे लगाया देखो, ये ऐसे ऐसे करके कितनी दूरी पर है, 2, तो 1 मीटर पे लगेगा 2, तो 2 मीटर पे कितना लगेगा, 4, तो इसको लिख लेंगे। और ये भी भार है, वेट है, वजन रखा हुआ, तो नीचे कोई लगेगा, इसको भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपको कंसिडर करना है, तो ये हो जाएगा 2×2, बस सारे फोर्स काउंट हो गए, RA काउंट कर लिया, RB काउंट कर लिया, 2 वाला, 10 वाला और ये 4 वाला, ठीक काउंट कर लिया, और इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले आपको RA RB ही मानने, कोई से को भी रख ले, किसी भी सीक्वेंस में आप ले लीजिए, जब आप रिएक्शन निकाल रहे हैं तो किसी फोर्स को भी किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हैं, पहले -2 वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, देखिए RA प्लस RB इक्वल टू कितना, तो देखिए -2, -10, -12, -4, -16, ये साइड जब 0 से उधर जाएगी तो हो जाएगा 16, तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो या मैंने अभी इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, एक बार आप समझ जाएंगे तो खुद कह सकते हैं, देखिए RA प्लस RB बराबर, ऊपर से कितना लग रहा है, 2×2=4, 4×10=14, ठीक है, 14×2=16, तो आप खुद कह सकते हैं RA प्लस RB बराबर 16, तो यानी बीम को देखते ही आप बता सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी फुल प्रोसीजर के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ताकि आप फर्दर फ्यूचर में किसी कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक। उसके बाद आप देखिए उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना है, देखो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे, यानी कुछ ऊपर को थे वाई में, कुछ नीचे को थे, तो एक हमने इक्वेशन लगाई सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी वाई दिशा में लगने वाले फोर्सेस का समेशन कितना रहेगा, 0, जबकि उस पर कोई भी बीम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्यावस्था में हो, तब की कंडीशन में। अब देखते हैं, अब भाई x दिशा में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इधर x में बीम को कभी ऐसे दाएं बाएं धक्का नहीं दिया जाता है, ठीक है, उस पर ऊपर से ही लोड लगता है। अब देखिए, तो अब देखिए क्या है, बीम के ऊपर इतने सारे फोर्स लगे थे y दिशा में, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। अब x दिशा में तो कोई फोर्स नहीं है, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस्तेमाल करेंगे इसका डंडे का, ठीक है, रॉड का, इसका बीम का इस्तेमाल करेंगे, देखिए क्या है। तो ये समझ लीजिए, ये आपका बीम था, ऐसे समझ लीजिए, इतना लंबा एक बीम है, ठीक है। अब समझिए, अगर इस बीम पे इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ऊपर से लग रहे हैं, कुछ नीचे से लग रहे हैं, ठीक है, बीम थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो ये लो ऐसे का देख लो, ठीक। अब ये छोटा है तो आप खुद समझिए, इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, तो देखो ये 2 kN वाला जो फोर्स है, ये जब ऊपर से लगेगा तो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीम तो घूम ही नहीं रहा है, ठीक है भाई, बीम पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो यहाँ से दाएं तरफ बाएं इधर लग रहा है वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, जो बेचारा नीचे से लग रहा है वो उसको ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है, यानी कुछ फोर्सेज उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीम तो घूम ही नहीं रहा है, यानी इतने सारे मूवमेंट्स लगने के बावजूद भी वो अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति में बना हुआ है, यानी कि उस पर लगने वाले जितने भी बेंडिंग मूवमेंट है, जो उसको बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समेशन कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे, सिग्मा एम इक्वल टू 0, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट, एक बेंडिंग मूवमेंट का समेशन 0। अब देखिए मूवमेंट की एक प्रॉब्लम है, मूवमेंट की प्रॉब्लम क्या है, मूवमेंट जब कभी भी लिया जाता है, देखो हम यही तो कहेंगे कि भाई ये बीम ए पॉइंट के चारों तरफ घूम सकता है, या ये बीम बी पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूम सकता है, तो यानी कि मूवमेंट जब भी लिया जाता है तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू डिस्टेंस जब हुआ करता है तो आपको यह पता होना चाहिए फोर्स लग कहां रहा है, ठीक। दूसरी चीज, किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, यानी किस पॉइंट के अबाउट आप उसको घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपको ये पता करना पड़ेगा, ये जो हम बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं ना, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट जब भी लिया जाएगा किसी पॉइंट पे लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी पॉइंट पे, चाहे ए पे ले लीजिए, चाहे बी पे ले लीजिए, सी पे ले लीजिए, डी पे ले लीजिए, उधर डी है, इसको मान लीजिए ई, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, आंसर आपका 100% आना ही आना है, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, आंसर आपका आना ही आना है, ठीक। तो देखिए हम ए बी सी डी ई किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ठीक। अब हम क्या कहेंगे आपको, आपको ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए, आपको ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए जिससे कि कोई एक फोर्स 0 हो जाए, वो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा मतलब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप ले किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो भाई मैं पेंडिंग मूवमेंट ले रहा हूँ किसके अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। आप, मैं ए के ले रहा हूँ, आप बी के, सी के, डी के, ई के, किसी के, ठीक। अब देखते हैं भाई, तो देखो
ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है तो फोर्स हुआ टू और उसके फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक की, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस, तो दैट इज कितनी है 1 + 4 + 4 दैट इज 9। तो ये हो गया क्योंकि क्लॉक वाइज है इसलिए हम लिखेंगे प्लस के 2 × कितना है 9। ठीक, दूसरा देखो फिर से बी, आर भी है, ये फोर्स किधर लगेगा ऊपर को लगेगा, तो इस बीम को ऊपर की डायरेक्शन में यानी ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इधर, तो ये कैसी दूरी हुई है मतलब कैसा मोमेंट हुआ, तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस लगा दीजिए और फोर्स कितना है आर बी इंटू डिस्टेंस, आर बी से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आई थिंक दैट इज 8। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए सी पॉइंट, सी पॉइंट देखते हैं, देखो भाई ये था बीम, यहाँ पे कीला ढोका हुआ है, 10 kN का लोड ऊपर से लगेगा, तो देखो बीम कैसे घूमेगा, बीम घूमेगा ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज, तो यानी कि क्लॉकवाइज मतलब प्लस, फोर्स कितना है 10, डिस्टेंस कितनी है देखो 10 वाले से डिस्टेंस कितनी है ए तक की, ये हो गई 4। ठीक, और कौन सा बचा देखिए, अब आते हैं तो ये देखो भाई ए वाला, ए पॉइंट पे बीम को रखा है हमने, यहाँ पे रखा है ऐसे, ठीक है, अब देखो आर ए, तो भाई इसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं और यहीं पे फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा ये बीम को ना तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा पाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि देखो फोर्स तो है लेकिन इस फोर्स की आर ए की ए से दूरी कितनी है, तो ये तो भाई ए पे ही है, तो इसकी कितनी दूरी हुई ए से, इसकी डिस्टेंस हुई 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई 0, तो इसलिए आर ए का मूवमेंट हो जाएगा 0, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर ए इंटू 0, प्लस माइनस का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, तो जब टोटल 0 आना है तो क्या प्लस और क्या माइनस, ठीक है, तो यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया है अगर उस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को, उस मूवमेंट को ले लेना आपको 0 जब मूवमेंट ले रहा हूं, ठीक है। अब सुनिए, तो ये भाई आर ए वाला तो 0 हो गया, अब देखते हैं ये वाला, इस वाले का क्या करना है, तो ये वैल्यू कितनी थी भाई 2 kN/m, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी थी 2 kN/m थी। अब देखिए, तो ये देखिए जब इसको आपने रखा है यहां पे कीला ठोका हुआ है और देखिए ये जो रखा हुआ है ये जो लोड है, तो आप ऐसे समझिए इसके ऊपर यहाँ पे वजन रखा हुआ, कुछ भार रखा हुआ ऐसे, ठीक है, उसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं आप कि ये वेट रखा हुआ है कुछ, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं आप। आप खुद ही सोचिए यहाँ पे कीला ठुका हुआ है, ऊपर से भार रखा है, तो ये वजन किधर लगेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो किस दिशा में, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश करेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम लेंगे माइनस इनटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो देखो भाई फोर्स कितना है, देखिए 2 kN/m, यानी 1 मीटर पे कितना लग रहा है 2, तो कितने मीटर पे है ये 2 मीटर पे, तो टोटल लोड कितना हो गया, तो 2 × 2, देखिए 2 × 2 टोटल लोड हो गया 2 × 2 दैट इज 4, 1 मीटर पे 2 था तो ये लगा हुआ है 2 मीटर पे, तो 2 मीटर पे कितना हो गया 2 × 2 दैट इज 4, तो ये तो फोर्स हुआ। अब देखिए मजे की बात, देखिए ये फोर्स तो यहाँ पे लगा हुआ था, फोर्स आपने ले लिया, लेकिन फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी लें, ठीक है, क्योंकि भाई देखो ये वाला जो फोर्स है वो तो यहाँ भी है, 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 यहाँ भी सब जगह है, तो और ए पॉइंट पे भी दिख रहा है, ए पॉइंट तक है, तो कहाँ पे लें, तो देखो बेटा इसलिए आपको बताया गया था कि जब भी यूडीएल होता है ये जो फोर्स है ये कैसा है, ये है यूडीएल, यूडीएल को कहाँ लगा हुआ माना जाता है, जबकि बेंडिंग मूवमेंट ले रहे हो केवल तभी, कहाँ लगा हुआ उसको माना जाता है, तो उसको लगा हुआ माना जाता है उसके सेंटर पर, यानी कि ये जो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसने अभी ऐसे कर दिया आपको, तो आप खुद ही सोचिए रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे होता है, सपोज करो ये दूरी है 10, तो कहाँ पे होगा सेंटर, यहीं पे होगा 5 इधर 5 इधर, सेंटर पे होता है, तो यानी कि यूडीएल का जो सेंटर होता है उसके हाफ में होता है, हाफ में होता है, दैट इज इस पूरे के पूरे फोर्स को कहाँ लगा हुआ मानेंगे, इसके बीचों बीच मतलब 1 इधर 1 इधर, समझ गए, तो देखिए तो ये 2 × 2 ये 4 का जो फोर्स है हम इसको यहाँ पे लगा हुआ मान सकते हैं, इसके सेंटर पे लगा हुआ मान सकते हैं, सेंटर पे लगा हुआ मानेंगे तो आप समझ जाइए कि जब मूवमेंट ले रहे होंगे तो फोर्स लगा है यहाँ पे 4 का और यहाँ पे कीला ठोका हुआ है, तो अब आप समझिए किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यानी कि माइनस लिया था 2 × 2 = 4 और ये डिस्टेंस हो गई 1 = 0, क्यों, अब क्योंकि कोई भी फोर्स मूवमेंट लेने से यहाँ पे नहीं रह गया है, ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हुई। देखते हैं, निकालते हैं भाई, चलो इसको रख देते हैं, है ना, बाद में काम आएगा फिर, तो देखिए तो कितनी आई, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो गया 2 × 9 दैट इज 18 माइनस 8 RB प्लस 40 और ये हो गया माइनस के 4 = 0, ठीक, 8 RB को उधर लेके जाएं, 8 RB इक्वल टू इधर कितना आ गया 18 प्लस 40 कितना हो गया भाई, ये हो गया 58 और माइनस 4 ये हो गया 54,
ठीक है, तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आरबी की वैल्यू आ गई 54 डिवाइड बाय 8, ठीक है, तो आप देखिए कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा, हाँ इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा 6.75, ठीक है, इतने किलो न्यूटन। देखिए कितना आ जा रहा है, आरवी की वैल्यू आ जा रही है 6.75, देखिए डिवाइड करके देख लीजिए। अब देखिए ये आरवी की वैल्यू अगर यहाँ रख दें, हम इक्वेशन नंबर वन में उठा के रख दें, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर ए प्लस 6.75 इक्वल टू 16, तो कितना आ गया, आर ए की वैल्यू आ जा रही है यहाँ से कितनी, 16 माइनस 6.7 करेंगे तो 9.25, ठीक है, कितना आ जाएगा 9.25 किलो न्यूटन। इस तरह से, तो इस तरह से दोनों रिएक्शन की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर हमने लगाया है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो उसमें भी काम करेगा, ओवरहैंगिंग बीम हो उसमें भी काम करेगा, कैंटिलीवर भी सॉरी कॉन्टीन्यूस बीम हो उसमें भी यही प्रोसीजर, यानी सबसे पहला प्रोसीजर आपका यही होना चाहिए कैसे रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो चलिए इसको रव आउट कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हमको पॉसिबल करनी है। और हाँ, इसको पहले वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, हम आर ए की वैल्यू कितनी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आर ए की वैल्यू लिख दे रहे हैं भाई कितनी, 9.25, ठीक है, और आर बी की वैल्यू लिख दे रहे हैं 6.75, ठीक है, यहाँ पे रब, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं और इसको रब आउट कर दे रहे हैं पूरे पोर्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखने वाले हैं किस तरह से इसका शियर फोर्स डायग्राम दैट इज SFD बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है, जितना बड़ा बीम है पेज के नीचे उतनी बड़ी लाइन एक खींच लेंगे, ठीक है, ये हमने खींची, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसी लाइन के नीचे जहाँ पे आपने बीम बनाया था वहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन, हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी तिरछी हो, ठीक है, आड़ी टेढ़ी हो गई हो, लेकिन आप लोग सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक। आप देखिए क्या करते हैं, तो देखो भाई सबसे पहले जान लीजिए इसको रिएक्शन को थोड़ा है ना ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 9.25, ठीक। अब देखो क्या है, तो जब भी आपको क्या करना है, देखो SFD का मतलब क्या, आपको ये बताना हर पॉइंट पे, हर जगह इस बीम पे, हर जगह किसी भी जगह अगर आपको फोर्स निकालना हो तो आप बता सके डायग्राम को देख के, हाँ कि भाई इस जगह पे वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम। तो देखो क्या है, किसी भी पॉइंट पे इस बीम के किसी भी पॉइंट पे आपको अगर फोर्स देखना हो, शियर फोर्स देखना हो, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे देखना है या तो उसके दाएं तरफ देखिए या उसके बाएं तरफ देखिए, किसी एक तरफ के फोर्स आप काउंट कर लीजिए, उस साइड की उस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए तो जैसे डी पॉइंट पे अगर मुझे काउंट करना है तो या तो मैं क्या करूंगा, डी टाइप के इधर राइट साइड देखूंगा या डी के लेफ्ट साइड देखूंगा। तो देखो भाई क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं इसने इतने सारे फोर्स काउंट करता फिरूंगा। तो देखो डी के इधर कितना है, बाईं तरफ देखो कितना है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, जब बीम ही नहीं है, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो यानी डी पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। बात समझ में आई, या तो राइट हैंड साइड के देखूंगा या लेफ्ट हैंड साइड के देखूंगा, तो जिधर से मुझे आसान पड़ेगा उधर से देखूंगा, ठीक। उसके बाद अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब ये यहाँ कहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, ये जो UDL लगा है इसके बीच में चलते हैं कहीं पे, किसी जगह पे, अगली बार आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में जाने की, ठीक है, लेकिन फिर भी सोचते हैं एक बार। तो देखो जैसे सपोज करो मुझे बीचों बीच लेना है, यानी यहाँ से एक मीटर और इधर से एक मीटर, यानी बीचों बीच लेना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, या तो राइट हैंड साइड के फोर्स देखूंगा या कहाँ के लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स देखने वाला हूँ। तो देखो भाई जिस पॉइंट पे आपको फोर्स देखना है, ठीक है, एक्स मान लिया इसको, इससे इधर देखो कितना फोर्स है, इस पॉइंट से इधर लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना फोर्स है, ठीक, देखिए तो इधर कितना फोर्स है भाई, ये वाला दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक। अब ये बताओ इसके लेफ्ट साइड बीचों बीच यहाँ पे मिड पॉइंट पे, यानी एक मीटर की दूरी है, ये भी एक मीटर हो गई, इधर देखिए कितना फोर्स है, तो देखो यही तो है UDL वाला, और ये UDL की वैल्यू कितनी है, 2 kN/m, यानी कि एक मीटर पे दो, तो हम कितने मीटर पे ले रहे हैं, देखो ये कितने मीटर है, ये तो एक मीटर हुआ है ना, एक मीटर हुआ, तो देखो 2 kN/m, यानी एक मीटर पे दो, तो ये कितना लगा है, दो, ठीक। तो इसके नीचे अगर हम कोई फोर्स देखना चाहेंगे तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब ये देखो क्या मैं इसको इस लाइन से ऊपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं, तो देखो अगर फोर्स लोड है जो नीचे को लग रहा है तो आपको पॉइंट नीचे लगाइएगा, अगर फोर्स ऊपर को जा रहा है तो आप उसको एरो देख लीजिएगा तो आप ऊपर, और ऐसे करके बनाए तो समझ लीजिए वो लोग ऊपर से लगा तो नीचे को वेट है, वजन रखा हुआ, ठीक, इस तरह से समझें। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2। चलो आगे चलते हैं ए पॉइंट पे, देखिए
ठीक है। तो ए पॉइंट के जस्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड फोर्स देखिए कितना है, ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड तो ये है पूरा पूरा पूरा, देखो कितना है ये पूरा का पूरा 2 मीटर पे जो लगा हुआ है, इधर कितनी दूरी है 2 मीटर, तो देखो कितना हुआ 1 मीटर पे 2, तो 2 मीटर पे कितना 4, ठीक है, तो 2 मीटर पे कितना 4, तो नीचे को है वेट है रखा है नीचे को ही लगेगा तो 4। तो देखो भाई यानी कि ये पॉइंट था हमारा ए, ये पॉइंट क्या था ए पॉइंट था, ठीक, यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे है 2 यहां पे है 4, तो इसको मिला देंगे हम ऐसे, ठीक है, ये देखो 2 वाला पॉइंट ये 4 वाला पॉइंट इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक, कैसे पता चला भाई यहां पे 2 है यहां पे 4 है और बीच में कहीं लेंगे तो ऐसे ऐसे पॉइंट बनते चला जाएंगे, तो उनसे जो मिलाते हैं वो बनता है। अब आप क्या करेंगे, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी जब आप शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हों और आपको यूडीएल आ जाए तो समझ लीजिएगा कि एक इंक्लाइंड लाइन जानी है, कैसी जानी है, एक इंक्लाइंड लाइन जानी होती है, मतलब कि अगर यूडीएल है तो कभी भी वो लाइन स्ट्रेट नहीं जाएगी, कैसी जाएगी, इंक्लाइंड लाइन ही जानी है, अगर वेट नीचे को लगा है तो लाइन नीचे को जाएगी, अगर वेट ऊपर को लगा होता तो लाइन ऊपर को जाती है, ठीक। तो यानी यहाँ पे था 2 यहाँ पे 4, अगली बार जब भी कभी आप बात करेंगे सीधे तो आप देखें यहाँ पे कितना फोर्स है 0, यहाँ तक चलने के बाद कितना हो गया 2 × 2 यानी कि 4, दैट इज, और सीधी एक इंक्लाइंड लाइन खींच दीजिए 4, तो कितना फोर्स हुआ यहाँ पे 4 किलो न्यूटन, ठीक है, कितना हुआ 4 किलो न्यूटन। अब ठीक, जैसे ही आप ए पे पहुंचे, देखो ए पॉइंट के बाईं तरफ देख रहे थे तब तक तो 4 है, लेकिन जैसे ही आप ए पॉइंट पे पहुंचे हैं अचानक से एक फोर्स लगा दीजिए, कितना लगा है 9.25, अभी कितना था नीचे का मतलब माइनस में चल रहे हैं, ऊपर को जाने का मतलब प्लस, देखो अभी हम चल रहे थे 4 किलोमीटर नीचे, नीचे की इस लाइन से नीचे थे, ठीक है, तो दैट इज माइनस के 4 किलोमीटर थे, लेकिन अचानक से जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे अचानक से ऊपर को लगा कितना 9.25, ऊपर को जा रहा है तो प्लस, तो देखो माइनस के 4 थे ऊपर को कितना जाना है 9.25, तो देखो माइनस के 4 थे और प्लस के कितने हो गए 9.25, तो सारा का सारा फोर्स इसी पॉइंट पे लगा, तो अचानक से इधर भागेंगे हम ऊपर, कितना भागे ऊपर, देखो माइनस के 4 प्लस 9.25 कितना आ गया 5.25 आ गया, ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5.25 यहां पे, ठीक। अब देखो इस पॉइंट से आगे बढ़ो, इस पॉइंट से ए पॉइंट से आगे आओ, यहां पे कितना है, कितना है देखो लेफ्ट हैंड देख लो कितना है 2 × 4 और 9.25 यानी कि 5.25, तो यहाँ पे भी 5.25, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, देखो जब तक कोई नया फोर्स नहीं आ जाता तो सेम ही फोर्स रहने वाला है, देखो यहाँ पे भी 2 वाला है ये आर ए वाला है, 2 वाला है आर ए वाला है, 2 वाला आर वाई वाला, तो यहाँ तक यानी जब तक कोई नया फोर्स नहीं आ जाता तब तक ये वैल्यू रहेगी सेम चलती रहेगी, ठीक है, कितनी 5.25 सेम चलती रहेगी। जैसे ही आप पहुंचे हैं किस पे, यानी कि जैसे ही आप पहुंचे हैं पॉइंट नंबर सी पे, अभी यहाँ पे थे हम 5.25 पे, अब जैसे ही यहाँ पहुंचे सी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अचानक से एक फोर्स लगा है नीचे को, तुरंत नीचे भागना है, कितना जाना है नीचे 10, तो देखो 10 नीचे जाना है, तो देखो भाई ये 5.25 5.25 तो ये गए, और कितना जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए भाई, ठीक है, तो देखो 10 ये था प्लस का 5.25, यानी कि 5.25 माइनस 10 करो कितना आएगा, देखिए आई थिंक 4.75 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.75, तो देखो ये 4 था तो 4 से थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे 4.75। और हाँ एक बात सुन लीजिए, ये जो लाइंस मैं खींच रहा हूँ नाप के नहीं खींचनी होती है कि 4 कितना दिखाना है, कभी 4 सेंटीमीटर नीचे खींच दो, ठीक है, बस आप लाइन खींच दीजिए तिरछी दिखाइएगा और वहाँ पे लिख दीजिएगा 4, आपने लिखा 4 तो मतलब 4, एग्जामिनर ने मान लिया 4, ठीक, उसी तरह जैसे ये 4 खींची है, तो अब देखिए ये जाना है कितना नीचे जाना है, इस लाइन से नीचे जाना है 4.75, तो आप इसको 4 से नीचे दिखाइएगा वो समझ, चाहे कितना नीचे दें कितना कम दिखाएं कितना ज़्यादा उससे मतलब नहीं, बस इससे नीचे होना चाहिए, एग्जामिनर मान लेगा कि हाँ भाई 4.75 है। आप सुनो, चलो भाई यहाँ पे कितना हो गया 4.75, आगे बढ़िए कितना है, तो भाई यही सब फोर्स है 4.75 4.75 4.75, ठीक, तो कितना आ गया 4.75, तो यहाँ पे कांस्टेंट चलता रहेगा जब तक कोई नया फोर्स नहीं आ जाता है, तो यहाँ पे हम चल रहे थे माइनस के 4.75, और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे बी पॉइंट पे, देखिए अचानक से ऊपर को लगाया, देखिए आर बी अचानक से लगा, एक पॉइंट पे लोड लग रहा है, ठीक है, तो अचानक से ऊपर को भागेंगे, कितना माइनस के 4.75 है उसमें प्लस करना है, आर भी ऊपर को जा रहा है तो प्लस करना है कितना 6.75, कितना बचा 2, देखो प्लस के 2 बचा है तो प्लस के 2 ऊपर चलिए 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 चलिए, कितना ऊपर जाना है 2
टू ऊपर जाना है, तो भैया टू तो 5.25 से नीचे ही होगा ना, तो इससे नीचे दिखाना थोड़ा। ये टू गए, अब कितना है देखो, कितना भी काउंट कर लो, देखो 4 + 9.25 - 10 + 6.75 कितना आएगा यार, आएगा तो 2 ही, वही तो मैं भी कह रहा था। चाहे इधर वाले काउंट कर लो, चाहे इधर वाले काउंट कर लो, देखो है ना, लेफ्ट में काउंट कर लो, राइट में काउंट कर लो, आना तो 2 ही है। अब चलते रहिए 2 2 2 2 2, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचे 2 किलोमीटर नीचे जाना, अभी 2 किलोमीटर ऊपर को थे, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे अचानक से नीचे को 2, तो जाके मिल जाएंगे 0 में। कहने का मतलब है शेयर फोर्स डायग्राम की स्टार्टिंग भी 0 से होनी है और एंड में जाके 0 मिलना है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, कभी भी अगर पॉइंट लोड लगेगा, देखिए जहां भी पॉइंट लोड लगे हैं वहां से लाइन अचानक से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक है। पॉइंट लोड लगने से यह देखा जाता है कि अचानक से शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें बेटा, बस किसकी, शेयर फोर्स डायग्राम की, SFD की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं अभी। शेयर फोर्स डायग्राम में जब भी कोई पॉइंट लोड लगा होगा, ऊपर को लगा है तो लाइन अचानक से ऊपर भागेगी, लोड अगर नीचे को लगाए तो लाइन अचानक से नीचे को भागेगी, शेयर फोर्स डायग्राम की, ठीक। उसके बाद अगर कहीं शेयर फोर्स डायग्राम में SUDL आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, तो लाइन हमेशा इंक्लाइन जाएगी, नीचे को भी जा सकती है ऊपर को भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि लोड किधर लगा है, ठीक है। तो ये देखो ऊपर से लोड था, नीचे को लगा, तो नीचे को एक इंक्लाइन लाइन खींच देनी थी आपको, तो ध्यान रखिएगा ये कंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी कभी तो इमेज दे देता है, ऐसे इमेज दे देगा और वैल्यू भी नहीं देगा, कहेगा बताओ इनमें से सही शेयर फोर्स डायग्राम कौन सा है, तो आपको बस इतना पता हो कि भाई ये UDL है तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन आनी है, पॉइंट लोड लगा ऊपर को तो अचानक से ऊपर भागना, तो उसको देख के ही आप रिजल्ट निकाल लिया करोगे, ठीक। तो ये हुआ आपका शेयर फोर्स डायग्राम। चलिए मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ थोड़ा इधर, है ना, अभी हमें क्योंकि वो भी बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, 4.75, ठीक। तो ये बना हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक। ये कैलकुलेशन हो गई, देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। चलिए आप देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी वही करना फिर से, है ना, एक लाइन खींच लीजिए बीम के बराबर, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए, ठीक। अब देखिए जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए या तो उसके बाई तरफ देखिए या उसके दाएं तरफ देखिए। क्या कह रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना हो या तो उसके बाएं देखिए या उसके दाएं देखिए। चलिए तो यहां पे देखते हैं, इस पॉइंट के बाई तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या है, डी पॉइंट के बाई तरफ कितना है, ना कोई फोर्स है, ना फोर्स है तो डिस्टेंस भी नहीं होगी, ठीक है, तो यानी 0। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से, और 0 से स्टार्ट होता है चाहे SFD हो चाहे BMD हो, स्टार्ट तो 0 से ही होना है और 0 में जाके खत्म हो जाना है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए अब क्या सीन बना, सपोज करो मैं आपसे कहूं भाई इस पॉइंट पे निकालो, किस पॉइंट पे निकालो, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालो, तो मैं क्या कहूंगा, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, या तो इतने सारे फोर्स इनटू डिस्टेंस, ए पॉइंट पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, तो ए पॉइंट के या तो इधर वाले ले लो, राइट वाले या लेफ्ट वाले, तो कौन सा आसान पड़ेगा बेटा, आप खुद देख सकते हैं, तो इधर फोर्स कम है, बाईं तरफ फोर्स कम है, तो मैं बाईं तरफ वाले लूंगा, ठीक है, दाईं तरफ वाले नहीं लूंगा, ठीक। मैंने क्या कहा था आपको, ये लो बेटा, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है उस पॉइंट पे कीला ठोक दो। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब रिएक्शन निकलवाई थी तो बाईं तरफ के लिए थे, दाईं तरफ के लिए थे, रिएक्शन निकालते हुए ध्यान रखना, लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हो तो जिस पॉइंट पे मोमेंट चाहिए हो या तो बाईं तरफ के लो या दाईं तरफ के, एक ही साइड के काउंट करने हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जब रिएक्शन निकालने तो बाईं तरफ के दाईं तरफ के दोनों के मोमेंट और दोनों के फोर्स काउंट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप निकाल रहे हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हो उस टाइम पे या तो बाईं तरफ लीजिए या दाईं तरफ, तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है उस पॉइंट पे कीला ठोक दो। अब देखो अगर मैं केवल इसके बाईं तरफ वाले फोर्स काउंट कर रहा हूँ, बाईं तरफ कितना फोर्स है, देखो 2 × 2 कितना है, 4 न्यूटन का फोर्स लगा, 4 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, 2 × 2 4 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, वेरी गुड। तो फोर्स लगा है कितने का, 2 × 2 4 किलो न्यूटन का, वेरी गुड। आप देखते हैं बीम को किधर घुमाएगा, ये रहा हमारा बीम, है ना, ये आ गया बीम, ठीक। तो देखो भाई जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है उस पे समझो कीला ठोका हुआ है, इधर ये वेट रखा है इस पे, तो आप खुद सोचिए किधर घूमने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे घूमेगा मतलब ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो एंटीक्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज घुमाएगा, तो उसको क्या लेना है मुझे, माइनस। तो ये तो फोर्स हो गया 2 × 2। अब देखिए
इस फोर्स को लगा हुआ कहाँ मानेंगे भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ पे नापें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ से नापें, तो कहाँ से नापेंगे, इसके सेंटर से। कहाँ से नापेंगे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और हम जानते हैं कि यूडीएल का सेंटर कहाँ होता है, उसके बीचों बीच होता है, मिड में होता है, ठीक है। कहाँ पे होगा, एक मीटर की दूरी पर। कहाँ पे होगा, ये भी एक और ये भी एक, ठीक है। तो देखो टोटल फोर्स है चार और डिस्टेंस कितनी हो गई ए पॉइंट तक की, वन। तो ये हो गया इंटू वन, कितनी वैल्यू आ गई, तो आई थिंक ये आ गई 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। कहाँ पे, ए पॉइंट पे। किस पॉइंट पर ये वैल्यू है, ए पॉइंट पे वैल्यू आ गई है। चलिए ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एंटी क्लॉक वाइज आई तो माइनस। अब ये बताओ, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन कैसी गई थी, इनक्लाइंट। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, अगर शियर फोर्स डायग्राम, अगर शियर फोर्स डायग्राम की लाइन स्ट्रेट जा रही है तो बेंडिंग मोमेंट की लाइन जाएगी इंक्लाइन, ठीक। ये शियर फोर्स डायग्राम ऐसे लिख देना हूँ, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। अगर शियर फोर्स डायग्राम की लाइन जा रही है इंक्लाइन, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन जाएगी पैराबोलिक। कैसी जाएगी, पैराबोलिक, ठीक। अगर शियर फोर्स डायग्राम की लाइन जा रही है पहला पैराबोलिक, ये जा रही है पैराबोलिक, तो ये जाएगी क्यूबिक। कैसी जाएगी, क्यूबिक। तो ये ध्यान रखना है, मतलब कि कहने का ये है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन या उसका जो कर्व होता है एक ऑर्डर हाइयर चलता है। ये स्ट्रेट लाइन तो इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइन लाइन तो ये पैराबोला, ये पैराबोला तो ये क्यूबिक, यानी एक ऑर्डर हाइयर चलता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। चलिए तो देखो भाई, ये लाइन गई थी इंक्लाइंड, तो ये लाइन कैसी जाएगी, ये जाएगी पैराबोलिक। कैसी जाने वाली है, पैराबोलिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, या तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर कर्व, या लिख देंगे पैराबोलिक, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। या तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर कर्व या लिखेंगे पैराबोलिक, तो ज़्यादातर पैराबोलिक को प्रीफर किया जाता है, ठीक। तो पैराबोलिक अंदाज में इस शेप में ये जाएगा, मूव करेगा यहाँ से, और वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के फोर। तो देखो लाइन से नीचे तो माइनस तो अपना आप ही लगा है, ठीक है, 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, देखो भाई कितना है, यहाँ पे आ गया। अब इस पॉइंट के आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सी पॉइंट पे आते हैं सीधे। कहाँ पे आते हैं, सी पॉइंट पे। चलिए देखते हैं भाई, सी पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बार और देखो, सी पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होगा। या तो सी पॉइंट से बाईं तरफ के फोर्स लो, या सी पॉइंट से दाईं तरफ के फोर्स लो। देखो सी पॉइंट से बाईं तरफ के फोर्स लेने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे कीला ठोका है, देखो ये कितना फोर्स है, 2 × 2, 4 का फोर्स है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 4 वाला जो फोर्स है, ये 4 वाला जो फोर्स है, इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और दूरी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी थी, 2। तो देखो 2 × 2, टोटल फोर्स है 4, और लगा कहाँ पे, सेंटर। सेंटर मतलब ये दूरी कितनी होगी, 1। तो सी पॉइंट पे अगर मोमेंट लूंगा तो ये हो जाएगा 1 × 4, कितना हो जाएगा, 5। अब देखो किधर लगेगा भाई, कैलकुलेट करते हैं, −2 × 2 × डिस्टेंस। तो देखो भाई ये यहाँ पे लगाता, तो इसकी सी पॉइंट से जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की दूरी लेनी होती है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं तो उन सारे फोर्सेस की दूरी वहाँ तक लेनी होती है। तो देखो 4 वाला था तो यहाँ लगेगा, यानी 2 × 2, ये तो हुआ 4, और डिस्टेंस कितनी हुई, 1 ये हुई और 4 ये हुई, दैट इज 5। उसके बाद देखो ये वाला फोर्स है, ये 9.27, देखो किधर घुमाने की कोशिश करेगा, देखो ठीक है। तो ये किधर घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज, तो मतलब प्लस, तो प्लस 9.25 × डिस्टेंस। तो सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो देखो 9.25 इतना इंटू कितना हुआ, तो देखो कितने डिस्टेंस है, 4, ठीक है। तो 9.25 × 4 कितनी वैल्यू आ गई, देखिए जल्दी से आइए काउंट करते हैं इसको, ये तो वैल्यू आ गई है 2 × 4 × 20, माइनस के 20 प्लस, ये कितना हुआ 9.25 × 4, तो कितना आ गया, ये आ गया 37। तो ये कितना आ जाएगा भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 17। तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, सी पॉइंट पे वैल्यू आ रही है 17, और कैसी आ रही है, प्लस की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस। चलिए तो यानी यहाँ पे जाना है, सी पॉइंट पे ऊपर जाना है कितना, 17, यहाँ पे जाना है 17 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। कैसे जाए, तो देखो बेटा ये लाइन कैसी थी, देखो ये लाइन स्ट्रेट थी, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन कैसे जाएगी, इंक्लाइंड जाएगी। कैसी जाएगी, इंक्लाइंड। ये लो बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन कैसी गई, इंक्लाइंड, समझ गए, प्लस
प्लस, यहां से लाइन खींचनी है इंक्लाइन लाइन, तिरछी लाइन खींचनी है, और कहां तक जाना है प्लस के 17 तक चले गए, तो जाहिर सी बात है स्केल से ऐसी लाइन खींचेगी। आप सुनिए और चलते हैं कुछ, ठीक हाँ आगे चलते हैं। तो देखो भाई अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पर, ठीक है, कौन से पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर बी पर आते हैं। तो देखो भाई ये रहा बी पॉइंट, ठीक, तो भाई देखो चाहे तो ले लो इधर से, इधर फोर्स कम है इधर से भी ले सकते हैं, चाहे ले लो उधर से, उधर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, किधर से भी ले लो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि बेटा आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से लेते आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ही लीजिएगा, और राइट हैंड साइड से ले रहे हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई जिधर से लेते आ रहे हैं उधर की अकॉर्डिंग साइन आप मानते चले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उधर से लेंगे तो साइन कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जिस साइड से भी आप ले रहे हैं तो एक साइड से लेते हुए चले आइएगा, ठीक। तो देखिए बी पॉइंट पे मैं लेने की कोशिश करता हूँ, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, देखिए फिर से भाई आप देखो सीधी सीधी सी बात है वही है, ये वाला फोर्स यहीं पे लगेगा, बी पॉइंट तक की दूरी देखो, चार का फोर्स है कितनी दूरी, 1 4 4 यानी कि 9, तो ये हो गया किस पॉइंट पे ले रहे हैं हम, बी पॉइंट पे, एम बी, बी पॉइंट पे ले रहे हैं तो 2 × 2 माइनस के है, इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई 9, प्लस 9.25 × देखो 9.25 है, और बी तक की दूरी देखो कितनी है 8, ठीक है, और देखो इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे ले रहे हैं तो देखो 10 वाला फोर्स भी आ गया, तो 10 × कितना देखो कितना है 4, लेकिन देख लो किधर घुमाएगा, है ना, कीला ठोका है जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेना होता, 10 × 4 तो कितना हो गया 40, प्लस का रहेगा सॉरी माइनस का रहेगा, तो ये हो गया कितना 10 × 4, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, चलिए काउंट कर लेते हैं इसको कितना आ रहा है भाई, 2 × 4 × 36, ठीक है, प्लस 9.25 × 8 तो ये आ जाएगा आई थिंक 8, तो ये आ जाएगा 74, माइनस 40, देखिए कितना आ गया, तो ये हो गया भाई 74 × 36 कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 36 और माइनस के 40, ठीक, प्लस 74 तो कितना आ रहा है देखिए माइनस के 2, कितना आ रहा है माइनस के 2, वेरी गुड, ठीक है, तो बी पॉइंट पे जो मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है माइनस के 2, वेरी गुड। अब देखो यानी बी पॉइंट पे जो मूवमेंट की वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है माइनस के 2, देखो ये चार माइनस के 4 था तो माइनस के 2 इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक। अब देखो यहां से यहां तक लाइन कैसी है, देखो स्ट्रेट लाइन है तो हमारी लाइन कैसी जानी है इंक्लाइन, तो यहां से एक इंक्लाइन लाइन खींचनी है जो माइनस के 2 पे जाके रुके, तो ये माइनस के 2, तो ठीक है, तो नीचे लिखा तो उसका मतलब अपना आप ही माइनस 2 है, ठीक है, तो नीचे जा रही है तो 2 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक, आगे चलते हैं, ठीक। अब देखो भाई आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है, किस पे पहुंचे, इस पॉइंट पे। अब देखो भाई ये लाइन कैसी जा रही है स्ट्रेट, देखो एक आंसर क्या है, ये लाइन कैसी जा रही है स्ट्रेट। अब हमें पता चाहे शियर फोर्स डायग्राम हो चाहे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, लास्ट में जाके कहाँ मिलना है, जीरो पे, ये रहा जीरो, तो आप यहाँ से सीधे सीधे देखो स्ट्रेट थे तो इंक्लाइन ऐसे ऐसे करके मिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार काउंट कर लीजिएगा। तो देखो भाई अब मैं जब ई पॉइंट पे आ ही चुका हूँ, ए पॉइंट पे आ चुका हूं, तो मैं फिर कह रहा हूं या तो बाईं तरफ के काउंट कर लो या दाईं तरफ के, तो मुझे पता है यार कैलकुलेशन जीरो आनी है, ठीक है, फिर भी एग्जामिनर के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी देखना चाहता है आपसे यहां पे, ठीक है, तो कैलकुलेशन का राइट फॉर्मेट मैं आपको नहीं लिखा रहा हूं अभी, ठीक है, कि पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेने पर, पॉइंट सी के अबाउट, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आप सीख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक। तो देखो भाई अगर मैं इस 2 पॉइंट के अबाउट, ठीक है, 2 पॉइंट के, ई पॉइंट के अबाउट क्या बोलूँ आपका बेंडिंग हुआ है, या तो इधर वाले फोर्स ले लूँ या ई वाले से उधर, तो उधर वाले कितने हैं, जीरो हैं, तो वो तो जीरो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से आपको लेके दिखा देता हूँ किस पॉइंट के अबाउट, ध्यान रखिएगा इस बार किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ई पॉइंट के अबाउट। तो देखो ये चार वाला कहाँ लगेगा, अपने सेंटर पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है देखो गिनो, 1 4 5 4 9 और 1 10, तो यानी ये हो गया माइनस के 2 × 2 × डिस्टेंस कितनी हो गई 10, ठीक। आगे चलते हैं, किधर घुमाएगा ये, अब देखिए आप सीख गए होंगे साथ बिना बीम के, अब ठीक है आर बी है तो ये किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट कराएगा ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो प्लस लेंगे 9.25 और 9.25 वाले से ई तक की डिस्टेंस 4 4 8 और 1 9, वेरी गुड। उसके बाद देखो 10 वाला किधर घुमाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो 10 × कितनी है 4 और 1 5, ठीक है, तो माइनस के 10 × 5। उसके बाद देखिए ये आ गया आरबी वाला, ये आरबी वाला किधर घुमाएगा, देखो ऊपर को जाएगा ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो 6.75 × 1,
ठीक है, तो ये हो गया प्लस के 6.75 इंटू वन। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए जोड़ के जीरो आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 इंटू 10 माइनस के 40 प्लस 9.25 इंटू 0.25, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 81 और 83.25। आई थिंक इतना आ जाएगा, माइनस के 50 और प्लस के 6.75। देखिए कितना आ रहा भाई, जीरो आ रहा होगा क्या, देखते हैं। माइनस के 40 माइनस के 50, तो ये हो गया माइनस के 90। ठीक, प्लस 83.25 और 6. तो ये आ गया प्लस के 90। देखो कितना आ गया, जीरो। तो ये आ गया जीरो, तो यानी इसको आँख मीच के आप मिला दीजिए जीरो में। तो देखो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आई हैं। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, जब आप मैं आपको शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और क्या कहते हैं लोड इंटेंसिटी में आपको रिलेशन लिखा रहा था, तो कहा था जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखो शियर फोर्स जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे शियर फोर्स जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे शियर फोर्स जीरो कहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, नीचे है तो -4। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 17। प्लस ऊपर है तो +17। यहाँ पे शियर फोर्स जीरो है तो यहाँ पे कितनी आई, 2 kN/m। ठीक है, तो यानी देखो माइनस में जा रहा है तो भी मिनिमम जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो मैक्सिमम जा रहा है। इसलिए कहा गया था जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। ठीक है, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक, तो इस तरह से। और एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ और आपको बताई थी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे काउंट किया जाता है। तो आइए देखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देख लीजिए, ऐसा पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो देखिए कहां पे चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, जीरो नहीं बोला जा रहा, क्या बोला है, साइन चेंज कर। तो देखो यहां तो जीरो है और जीरो से निगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव में तो है ही नहीं कुछ, तो देखो ये कर रहा है, यहां पे निगेटिव था यहां पे पॉजिटिव, तो यहां पे चेंज कर रहा है, एक लोकेशन ये मिली, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे निगेटिव जा रहा है, ये चेंज कर रहा है दूसरी पोजिशन ये। तो भाई इनकी लोकेशन आपको निकालनी है, तो इसको मान लेता हूं मैं x1। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं मैं x1। ठीक, और इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं यहां से x2। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है ना कि कहां पे कितनी दूरी पे, अब आप कह दो इसके बीच में आ रहा तो इसका आधा कर लो, ऐसा नहीं बोलना बेटा, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, ये पता है कि इसके बीच में आना है कहीं पे। ठीक, तो देखिए क्या है, अब देखो भाई पहले मैं x1 डिस्टेंस निकालने वाला हूँ, ये x1 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो मैंने मान लिया कितनी दूरी है, x1 है। अब देखो मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पे कितना है, कितनी ये डिस्टेंस है नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि इस पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकाला जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है, जीरो। ये तो पता है ना कि इस पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकाला जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है, जीरो। तो देखो यही तो वो पॉइंट है, इसको बढ़ा लो ऊपर तक, यही तो वो पॉइंट है, इसको थोड़ा रब आउट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं ना, सही रहेगा। ठीक है, तो ये देखो यहां से यही तो पॉइंट है x1, यही तो वो दूरी है x1। ठीक है, तो लेकिन हमें दूरी निकालनी है कितने डिस्टेंस पे, तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि अब हम क्या करने वाले, हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो यानी मैं इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा और उसको किसके इक्वल रख दूंगा, मैं उसको जीरो के इक्वल रख दूंगा। तो देखो हाँ भाई देखो मैंने क्या माना है, नीचे लिख देते हैं दूरी, इसको भी साफ करते हैं थोड़ा सा जरा, है ना, ये कौन सा पॉइंट था भाई, ये था ए 9.25। ठीक है, और ये था कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट था आपका, हाँ तो ये दूरी कितनी थी, ये थी 2, और ये दूरी कितनी थी भाई, हाँ ऐसे था। ठीक, इस तरह से। तो देखो भाई ये टोटल दूरी थी 2, तो देखो मुझे निकालना क्या है, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा क्लियर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अरे अरे हाँ ऐसे था ये, इसको क्लियर कर ले रहे हैं 9.25, और ये पॉइंट था मेरा x1। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है x1, ये दूरी कितनी है 2, और इस लोड की वैल्यू कितनी है 2 kN/m। अब देखिए
मुझे क्या पता था, मुझे ये पता था इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है नहीं पता, लेकिन ये पता है इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना ना, जीरो। तो देखो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं, तो क्या करूंगा, इस पॉइंट के इधर के जितने लोड हैं या तो उनको ले लूं या इसको ले लूं, इधर वालों को, ठीक। चलिए तो देखिए मैं क्या करता हूं, तो इस पॉइंट के इधर वाले सारे लोड में लेने की कोशिश करता हूं। देखिए कितना है, कितना है, 2 × 4, इस पॉइंट से इधर इधर के, तो देखो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब मैंने माइनस बाई डिफॉल्ट ले लिया कि मुझे याद हो गया है कि इस पॉइंट से इधर लूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला नीचे को जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 2 × 2 लगेगा कहां पे, अपने सेंटर पे। तो देखो डिस्टेंस कितनी हुई, लगेगा कहां पे, अपने सेंटर पे, मतलब 1 इधर 1 इधर। तो देखो भाई ये यहां से यहां तक की दूरी है कितनी, x1, ये कहां लग रहा है, यहां पे, तो ये दूरी कितनी हुई बताओ भाई, ये पूरी x1 है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये यहां से यहां तक की x1 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब उसमें से इतना छोड़ देना है, बाकी तो ये डिस्टेंस है ही, तो मतलब कि ये हो गई आपकी x1 - 1, कितनी डिस्टेंस हो गई, x1 - 1, क्योंकि ये 1 है ये 1 है, तो इस x1 में से ये 1 इतनी आधी छोड़ देनी है, ठीक। अब समझो और कौन सा फोर्स है, तो ये 9.27 है। अब देखो मैं समझ गया हूं ये किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो प्लस 9.25 × डिस्टेंस कितनी है, देखो 9.25 वाले से डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से यहां तक है x1, तो इतनी दूरी छोड़ दी जाए तो ये दूरी बचेगी, तो 9. ये कितनी दूरी है, x1 में से 2 घटा दी जाए, इतनी छोड़ दी जाए तो ये बचेगी, तो यानी ये हो गई x1 - 2, ठीक। और बराबर किसके है, 0, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0 रख दीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस के 4 x1, और माइनस माइनस प्लस 4, और प्लस ये हो जाएगा 9.25 x1, और माइनस के 9.25 × ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 9.25 x1 × 9.25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18.50, ठीक है, कितना आ जाएगा 18.50। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 9.25 x1 और 4 x1 माइनस के हैं, तो कितना बचेगा 5.25 x1 इक्वल टू, उधर जाएगा 18.5 प्लस के हो जाएगा, उधर जाएगा 4 तो माइनस के हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 5.25 x1 इक्वल टू, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14.50, ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 14.50 डिवाइड बाय 5.25, आई थिंक ये डिवाइड करके कितना आएगा भाई, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, ठीक है, 25 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2.76 मीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है, समथिंग इतना आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इतना ही आ जाएगा लगभग 2.76 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू हुई, 2.76। तो आप ये कहेंगे यहाँ पे नीचे जो लाइन लिखनी होती है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर जो होगा पॉइंट नंबर डी से, पॉइंट डी से कितना होगा 2.76 मीटर के डिस्टेंस पे होगा पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर। अभी दूसरा भी निकालना है, तो देखो भाई दूसरा वाला ये है, अब बताओ दूसरा कहां से निकालू, ठीक है, दूसरा कैसे निकाले, तो देखिए इसको रब आउट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट को कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर, इसको नोट कर लेते हैं, x1 बराबर 2.76 मीटर, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट डी, ये भी लिख देना है, ठीक है, क्या पता वो उधर से पूछने लगे, कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी क्या गया कि ई पॉइंट की तरफ से पूछने लगे, है ना, उधर से कितनी डिस्टेंस है, तो यानी टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर कहां पे आ रहा था, देखिए यहां पे आ रहा था, ये यहां पे आया था, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो देखो भाई फिर से बेंडिंग मोमेंट, देखो मुझे क्या पता इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0, ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने दूरी मानी है इधर से x2, ठीक है, यहां से मानी है, लेकिन देखो भाई इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेना है तो मुझे ये फोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये वाला भी लेना पड़ेगा और ये भी, तो ऐसा ना कर लूं मैं इधर से ले लूं, देखो इधर कम फोर्स है, आसान हो जाएगा काम, तो इधर फोर्स क्या है, कम, तो देखो ऊपर से लगेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, नीचे से घुमाएगा तो क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने इस डिस्टेंस को मान लेता हूं, कुछ डिस्टेंस को इसको मान लेता हूं, कितना मान लिया एक्स, तो देखो भाई इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, तो देखो जब 2 वाला घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसको ले लेता हूं 2 प्लस पॉजिटिव ले लिया क्लॉकवाइज, 2 × डिस्टेंस कितनी है, देखो इस पॉइंट तक की, तो कितनी मान ली मैंने x, तो ये हो गई x, ठीक है 2x। अब देखो ये वाला घुमाएगा 6.75, कितनी डिस्टेंस है, तो देखो इस पूरी डिस्टेंस में तो ये माइनस कर दूं, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 6.7 माइनस के 6.75 ×
इसको लिख देंगे हम x माइनस वन और बराबर जीरो। तो देखो उधर से आसान पड़ गया, इतने सारे फोर्स नहीं लेने पड़े, है ना। ये वाला लेते फिर उसका सेंटर लेते फिर दूरी लेते डिस्टेंस, थोड़ी दिक्कत पड़ती। तो चलिए ये हो गया 2x बराबर, हाँ सॉरी 2x माइनस 6.75 इंटू एक्स, और ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस 6.75 इक्वल टू जीरो। तो देखिए कितना आ गया, देखते हैं 2x ये है और ये है, तो ये आ गया माइनस के 4.75x, ठीक। और ये उधर वैल्यू जाएगी तो कितना आ जाएगा 6.75, कितना आ जाएगा 6.75। तो ये कर लेते हैं, हाँ ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6.75 डिवाइड बाय 4.75 कितना आ गया, 6.75 डिवाइड बाय 4.75, डेसिमल को हटा दो क्या बचा 675 डिवाइड बाय 475, तो 25 से कैंसिल आउट हो जा रहा, सीधे सीधे 25 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई, देखो ये हो गया 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4444, ठीक है 24, 4 टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा 12 टाइम जाएगा 24 और 3 27 टाइम्स आई थिंक जाएगा, और यहाँ पे जाएगा कितना 16 और 3 0.421 समथिंग आ रही है, 1.42 इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो 1.42 मीटर कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ई, कहाँ से आ रही है फ्रॉम पॉइंट ई। अगर आपको इधर से कहा जाए फ्रॉम पॉइंट डी, तो देखिए टोटल लेंथ कितनी है, तो आई थिंक टोटल लेंथ है 11, 11 में से 1.42 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपके डी पॉइंट से, ठीक है। तो एक्स टू बराबर बात करें तो मैंने एक्स टू कहाँ से लिया था, मैंने एक्स टू इधर से लिया था डी पॉइंट से, तो ये कह देंगे 11 माइनस 1.42, तो ये आ जाएगी आपकी 9.38, कितनी आ जाएगी 9.38 फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट से इतनी आ रही है, और ये आ रही है 1.42 फ्रॉम पॉइंट ई, ठीक है इस तरह से। तो इस तरह से एक जनरलाइज क्वेश्चन हुआ करता है, इतना लंबा प्रोसीजर। अब सुनिए, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इतनी सारी कैलकुलेशन आपसे नहीं कराएगा, फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों कराया, ताकि आपको पता चल सके कि जो स्लोप जा रहा है ये कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ठीक है। ये स्लोप आप पता कर सको, और क्वेश्चन क्या आएगा, कोई फोटो दे दिया जाएगा और बताएगा आपसे, पूछेगा कि इनमें से सही SFD या BMD कौन सा है दिए गए डायग्राम के लिए, तो आपको उस टाइम पे बस ये लाइंस देखनी होंगी, बस ये लाइंस देखनी होंगी, वो लाइन देख के आप बता पाओगे कि कौन सा SFD सही है और कौन सा BMD सही है।